हमने रब की रहमत का नजायज फायदा उठाया। और एक वजह यह भी है, तौबा तो करना चाहता हूं लेकिन अपनी नेकियों पे मान करता हूं, मुझे अपनी नमाजों पे मान है, मुझे अपने रोजों पे मान है, मुझे अपनी जकात पे मान है, हज करने पे हाजी कहलवाने का बड़ा शौक रखता हूं कि मैंने हज कर लिया है, कहीं जकात दे दी, सखी कहलवाने का बड़ा शौक है, मैंने सखी होने का दावा कर डाला कि मैं तो बड़ा सखी हूं, मैं तो बड़ा सदका खैरात करने वाला हूं। मस्जिद के अंदर कोई साफ दिलवा दे, मस्जिद के अंदर कोई स्पीकर लगवा दे, मस्जिद के अंदर कोई और काम कर दे, और अगर मस्जिद के अंदर उसकी चुदराहट ना चले तो क्या कहता है, भाई मैं भी मस्जिद को फंडिंग करता हूं। नेकियों पे मान करते हैं, नेकियों पे गुरूर करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है उठाइए सूरह नजम को 27वें पारे को आयत नंबर 32 को, रब का कुरान क्या कहता है, अपने मुंह से मियां मिठू मत बनाओ, फला तो जक्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन तका, कहा अपने आप को पाक साफ पारसा मत समझो, अपने मुंह से मुत्तकी होने का, अपने मुंह से अल्लाह के वली होने का दावा मत करो, हुवा आलमु बिमन तका, वो अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, सबसे ज्यादा जानता है असल मुत्तकी कौन है। मैं समझता हूं मैं मुत्ताकी हूं, मैं समझता हूं मैं आलमे दीन हूं, मैं समझता हूं मैं हाफ़िज़े कुरान हूं, मैं कारिये कुरान हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, आज बहुत से मौलवियों ने दीन को इसीलिए बिगाड़ दिया कि गुनाह के ऊपर गुनाह करते चले जाते हैं, और ज़ेन में क्या है, कोई बात नहीं हमें मुआफी का तरीका आता है, रात को छुप के दो चार आंसू बहा लेंगे। लेकिन इस मौलवी को, इस आलमे दीन को, इस कारिये कुरान को, हाफ़िज़े कुरान को, इस फकीह को, इस मुहद्दस को, इस स्कॉलर को यह पता नहीं जिस रात का तू इंतजार कर रहा है वो रात तुझे मिलनी भी है कि नहीं।